से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2 साल का मोरिटोरियम, ठीक है। 2 साल का मोरिटोरियम, 2 साल यानी 24 महीना का मोरिटोरियम किसको मिल सकता है, किसको मिलता है, ठीक है, और किसको मिलेगा, और साथ ही उसको लोन भी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है, ठीक है, जिनको 2 साल यानी 24 महीना का मोरिटोरियम भी मिलेगा और साथ साथ उसको लोन भी मिलेगा उसको कंपनी उसको चलाने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में ध्यान से रहना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो आपको शायद कहीं भी ये जानकारी आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा पूरे यूट्यूब पे, ठीक है, पूरे गूगल कहीं भी सर्च करोगे आपको तो ये जानकारी मिलेगी ही नहीं। आप सर्च कैसे करोगे तो आप देखो कैसे करना है। तो आप इस वीडियो में बने रहना और ये आपके फ़ायदे के लिए हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके इकट्ठा करके जानकारी लेके आते हैं और अपनी लैंग्वेज में इसको एनालिसिस करके हम आपके लिए बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इसी तरह की जानकारी और मिलता रहेगा दोस्तों, और हमेशा आपको हमारे चैनल पे सीखने के लिए कुछ नया मिलेगा आपको हर वीडियोज़ में। तो आपका भी फ़र्ज बनता है, यदि हम आपके लिए इतना मेहनत करके जानकारी देते हैं आपको तो सब्सक्राइब करना तो आपका हक बनता है ना। सब्सक्राइब करके रखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी भी मिलेगी, सीखने के लिए भी मिलेगा। जब आपको नॉलेज होगा, जानकारी होगा तो आप भी किसी को बता सकते हो, कोई भी जानकारी दे सकते हो, आप भी धीरे धीरे एक्सपर्ट बन सकते हो किसी भी फील्ड में। तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलो बताते हैं आपको 2 साल का मोरिटोरियम किसको मिलेगा, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, और गवर्नमेंट ने ये 2 साल का मोरिटोरियम के साथ साथ ऐसा कौन सी सेक्टर है जिनको लोन भी मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों, जो भारत सरकार ने क्या की है, जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो ये सारा लोन और ये मॉनिटोरियम, ये डिटेल उसी पैकेज का एक हिस्सा है। अब ये कैसे आप पता करेंगे, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये जानकारी ऑथेंटिक है या नहीं है, लोग सोचते होंगे कि जानकारी सही है या गलत है, तो आपको ये दिखा देते हैं। जब आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, ये देखो गूगल है, ये गूगल तो सही जानकारी बताएगा ना आपको, गूगल है, गूगल पे सर्च करेंगे ये गूगल न्यूज़ पे, तो अब आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स यानी टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भारत का इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर या टेलीविज़न या मीडिया कंपनी है, तो इनका ये न्यूज़ है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस किया कल के डेट में, निर्मला सीतारमण जी जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पैकेज का अलग अलग पैकेज में सारा डिटेल बताया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स का ने छापती है, जो PFC REC टू अप्रोच डिस्कॉम ऑफर 7 to 10 years लोन्स विथ मोरिटोरियम। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है ना, PFC REC और ये लोन्स और मोरिटोरियम और 7 से 10 साल, ठीक है, तो ये यदि समझ में आ जाएगी तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा सारा चीज़। तो हम आपको इसमें एक एक चीज़ का एनालिसिस करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये जानकारी हम आपके लिए इकट्ठा करके लेके आते हैं ताकि आपका इसमें फ़ायदे हो सके और आपको जानकारी मिल सके दोस्तों। चलो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले 20 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, तो उस पैकेज में सभी सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ खास था, तो उसी में से ये जो है PFC और REC क्या है, ये जो पावर सेक्टर, पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी और ये पावर कॉरपोरेशन, ये सारा चीज़ आता है। तो ये देखो इंडिया की जो PFC और REC, ये देखो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और REC का होता है रीजनल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। अब आपको हम ये दिखा देते हैं, ये देखिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, REC का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो REC है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये किसके अंडर आता है ये दोस्तों, ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंडर आता है। अब जिसको बोलते हैं PFC, जिसको हमने बताया ना आपको, ये जो PFC है, ये REC आता है किसके अंदर, PFC के अंदर, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंदर, ठीक है। अब डिस्कॉम क्या है, डिस्कॉम को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी आता है, घर में बिजली आती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, आपके घर तक पहुँचाने का काम, ये डिस्कॉम का है, ठीक है। हर स्टेट में अलग अलग डिस्कॉम कंपनी होती है जो आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है। तो अब इतना चीज़ तो समझ में आ गया, PFC, REC और डिस्कॉम समझ में आ गया, ठीक है। अब ये देखो PFC और REC को जब आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, ये PFC क्या है,
पीएफसी को समझ लो, यदि आपको आरईसी को समझना है तो पीएफसी समझना पड़ेगा इसका डिटेल। तो पीएफसी क्या है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। अब ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये गवर्नमेंट। अब इसका ऑनर कौन है, इसका ऑनर है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी फंड रिलीफ देना है पावर फाइनेंस कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को चलने के लिए, और अभी आपको मालूम है अभी लॉकडाउन लगी हुई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, कोविड 19 की सिचुएशन है, और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, बिजली कंपनी है, जो अभी आपसे कोई पैसा ले नहीं रही है। ये लॉकडाउन में आपको कोई भी बिल भेज भी नहीं रही है और कोई भी पैसा नहीं ले रही है। तो जब आपसे वो कंपनी पैसा ले नहीं रही है तो वो कंपनी चलेगी कैसे, या तो वो तो डूब जाएगी। तो उस कंपनी को चलाने के लिए और आपके घर तक बिजली पहुंचाने के लिए, घर में बिजली देने के लिए सरकार क्या की है, ये पैकेज लेके आई है, ठीक है। अब इस पैकेज में उस कंपनी को सरकार क्या करेगी, राहत देगी चलाने के लिए, ठीक है। राहत कैसे देगी, तो उनको सरकार ने, यदि उनको सरकार क्या करेगी, लोन देगी और साथ ही उसको मोरिटोरियम देगी। और कंपनी है ये, करोड़ों अरबों रुपए से कंपनी चलती है, तो ये सरकार के अंडर ये कंपनी है जो अलग अलग डिस्कॉम कंपनी को चलाती है, ठीक है, और उसको मदद करती है। तो अब देखिए इसी, ये तो ये सारा चीज़ समझ में आ गया, पावर पीएफसी आरईसी आ गया, डिस्कॉम आ गया, और अब ये जो जो आपके घर तक बिजली पहुंचती है, और उस अभी आप लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, बिजली बिल पे नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे अलग अलग स्टेट में जिनको बिल नहीं आया होगा, ठीक है। तो अब उसको चलाना है, तो सरकार उसी को मदद देने के लिए ये पैकेज लेके आई है। पीएफसी आरईसी को सरकार ने लोन देने के, जो डिस्कॉम है उसको लोन देगी, और कितने पे देगी, अब ये देखो जो भारत सरकार के जो फाइनेंस देखिए पावर मिनिस्टर हैं आरके सिंह, ठीक है ना, इन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दिया है। और ये सभी कंपनी क्या करेगी, पीएफसी और आरईसी जो डिस्कॉम है उसको लोन देगी, ठीक है, लोन देगी। कितने टाइम के लिए लोन देगी, देखो दोस्तों, देखो ये देखो, लोन देगी 2 साल के लिए, कहाँ गया, ये लोन देगी पीएफसी इनको, ये देखो देखो डीएफसी सीपीईसी पावर पीरियड, अब ये देखो 24 टू मई 17, नहीं माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, इनको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा ये पॉइंट है, देखो टू कंपनीज़ कौन सा, पीएफसी और आरईसी, जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आरईसी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, तो ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ये किसको देगी, ये 7 से 10 साल के लिए लोन देगी अलग अलग डिस्कॉम कंपनी को, ठीक है, विथ मोरिटोरियम ऑफ 2 ईयर टू द डिस्कॉम्स, लिखा हुआ है यहाँ, एस लगा हुआ है, ठीक है। तो देश में अलग अलग डिस्कॉम कंपनी है, जो हर स्टेट में अलग अलग डिस्कॉम कंपनी है जो आपके घर तक बिजली पहुँचाती है, तो वो कंपनी को चलाने के लिए सरकार, डिस्कॉम को चलाने के लिए आरईसी और पीएफसी क्या करेगी, लोन देगी कंपनी को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव रखने के लिए। तो ये लोन कितने टाइम के लिए देगी, 7 से 10 साल के लिए लोन देगी, और इस पे मोरिटोरियम कितने साल का देगा, मोरिटोरियम देगा दोस्तों 2 साल का मोरिटोरियम, यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, ठीक है, विथ मोरिटोरियम ऑफ 2 ईयर्स टू द डिस्कॉम। आंसर मिल गया आपको, 2 साल का मोरिटोरियम किसको दे मिल रहा है। तो दोस्तों यहां से क्लियर है, भारत सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, अब सबसे बड़ी इसका आप ये समझ लो, इसको लोन क्यों मिल रहा है, और कंपनी जब इस कंपनी चलना कितना ज़रूरी है, और पीएफसी और आरईसी गवर्नमेंट के अंडर आती है, अब ये गवर्नमेंट क्या कर रही है इस कंपनी को जिंदा रखने के लिए, ताकि ये कंपनी आपके घर तक बिजली सही से पहुंचा सके, किसी तरह का कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। तो इस कंपनी को सरकार, आपके बदले सरकार पैसा पे कर रही है, ठीक है ना, आपके बदले सरकार इस कंपनी को पैसा पे कर रही है, ताकि आपके घर में जो बिजली आती है, जो आप बिजली से जितने भी काम करते हो, आपका उस काम में बाधा नहीं हो। समझ में आ रही बात आपको, तो आपको ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आप तब एनालिसिस करेंगे जब आपको एक एक चीज़ का एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ में आ गई आपको, जो 2 साल का मोरिटोरियम किसको मिल रहा है, 2 साल का मोरिटोरियम आरईसी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनीज हैं पीएफसी और आरईसी, ये अलग अलग स्टेट की जो डिस्कॉम है, जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है डिस्कॉम कंपनी है, उसको दो साल
का मॉरिटोरियम मिलेगी ताकि वो कंपनी आगे चल सके और आपको बिजली की सर्विस दे सके। और दूसरा है उसको लोन मिलेगा 7 से 10 साल के लिए, ठीक है, 7 से 10 साल तक का लोन मिलेगा और साथ ही 2 साल के लिए मॉरिटोरियम मिलेगा, मॉरिटोरियम पीरियड मिलेगा ताकि वो लोन मिलने के 2 साल तक, जैसे लोन उसको गवर्नमेंट ने दे दी सपोज करो मई में दिया, जून में दिया सपोज करो 1 जून से, ठीक है, तो 1 जून से लेके उसको अगले 2 साल तक उसको मॉरिटोरियम मिल जाएगा। तो अगले 2 साल तक उसको पे नहीं करना है क्योंकि कंपनी को चलाना है, आपको बिजली देनी है, उसको सर्वाइव करना है, इतने एक्सपेंसेस करोड़ों अरबों खरबों रुपये एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये सारे चीज़ हैं जो कंपनी को चलाने के लिए, आपको अच्छी सर्विस देने के लिए, बिजली देने के लिए टाइम पर। यदि बिजली नहीं रहेगी तो आपको मालूम है इंडिया की जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चरमरा जाएगा। फाइनेंशियल सिस्टम कैसे चरमराएगा, क्योंकि बिजली से अलग अलग फैक्ट्री चलती है, कंपनी चलता है, ऑफिसेज चलते हैं, कारखाने चलते हैं। यदि बिजली ही नहीं आएगी तो कारखाना कहाँ से चलेगा, कारखाना नहीं चलेगा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केट में प्रोडक्ट की सेलिंग कैसे होगी, सेलिंग नहीं होगी तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, गवर्नमेंट के पास GST की टैक्स कहाँ से जाएगा, फिर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी आप खरीदोगे कहाँ से, तो उनका सारा का सारा रूट क्या है, कहाँ से वो चलेगी, वो चलेगी इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो जो ये जो पावर सेक्टर है इसके लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट और बहुत बड़ी राहत पैकेज की घोषणा की और उसी के अंडर ये सारा चीज़ गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है उनको भी। अब ये होगी पावर सेक्टर की, और साथ ही साथ आप लोगों को इंडिविजुअल जो आप बैंक से आपने पर्सनल लोन लिया होगा, व्हीकल लोन लिया होगा, किसी भी तरह का आपने लोन लिया होगा बैंकों से या किसी भी NBFC से, तो उन पे भी आपको मॉरिटोरियम दे रही है 3 साल, क्योंकि आप तो कमा के दे सकते हो ना दो महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में, तो 3 महीने का मॉरिटोरियम तो आपको भी मिल गया और आने वाले टाइम पे 3 महीने का मॉरिटोरियम और एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। तो RBI अभी बहुत जल्दी मॉरिटोरियम एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन निकालेगी तो वहाँ से आपको अगले 3 महीने तक और मिल जाएगा, टोटल आपको मिल रहा है 6 महीने का मॉरिटोरियम और मॉरिटोरियम पीरियड। और कंपनी यहाँ जो है जिस क्योंकि कंपनी को आप लोग अभी बिजली का भी बिल नहीं पे कर रहे होगे, ठीक है, तो वो उस कंपनी को खर्च कहाँ से चलेगी, और कंपनी में आपको मालूम ही है कितना सारा सिचुएशन होता है, कभी लाइट कट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये मॉरिटोरियम जो है मॉरिटोरियम पीरियड और उनको सर्वाइव करने के लिए पैसा यानी लोन, ठीक है, तो सरकार उसको इस पैकेज के तहत राहत दे रही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया होगा और आपको कुछ ऐसे भी जानकारी सीखने के लिए मिला होगा जो आपको YouTube पे किसी ने बताया भी नहीं होगा दोस्तों। तो अब आपको उम्मीद करते हैं ये जो 24 महीने वाला मॉरिटोरियम है किसको मिलेगा और उसको लोन भी मिल रहा है, जिसको भी मिल रहा है, जिसको का मतलब किसको, यानी डिस्कॉम को, ठीक है, डिस्कॉम इन द सेंस ये जो है यानी पावर PFC REC हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, और दूसरा था कौन सा, PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये इसका ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो यानी घुमा फिरा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है इंडिया में, हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है, उनको राहत पैकेज दे रही है, ठीक है, राहत उनको दे रही है। ये हैं हमारे देश के पावर मिनिस्टर RK सिंह साहब, ठीक है। तो इन्होंने अभी यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी कुछ इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी हुई है और ट्वीट करके भी जानकारी दिया है इस पैकेज के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जो 24 महीने वाला मॉरिटोरियम है जो डिस्कॉम को मिल रहा है, कंपनीज़ को, पावर सेक्टर को, तो आपको ये सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी और साथ ही साथ आपको भी मिला है, पर्सनल लोगों को भी मिला है, लोन वाले को भी मिला है, तो आपके लिए भी अच्छी खबर है और आपके लिए यदि और अच्छी खबर है क्योंकि आपके घर में बिजली नहीं कट हो रही होगी, आपको बिल अभी नहीं देना पड़ रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। आपके घर में बिजली आ रही है तो वो कैसे आ रही है, उसको कौन ला रहा है, वो कैसे कंपनी कैसे चल रही है जो आपको बिजली दे रही है और आपसे पैसे नहीं ले रही है, तो वो सरकार आप राहत पहुँचा रही है, समझ गए बात को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो दोस्तों यहाँ से अर्लीवुड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको इस तरह का ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट एनालिसिस के साथ में आपको हमारे चैनल के अलावा और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। हम आपको इस चैनल पे अपने चैनल पे वो सारी जानकारी लेके देंगे जो आपको आज तक आपने न तो सुना होगा न तो किसी ने बताया होगा, और जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आप भी एक्सपर्ट बन सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।